एमएलए बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने एमआईएम के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स के हमरा एक इजलास मुनाकिद किया, जिसमें उन्होंने अपने हलके में जेरे इल्तवा बलदी कामों का जायजा लिया और दीगर तरक्याती कामों पर भी गौर खोज किया। इस मौके पर जीएचएमसी जोनल कमिश्नर व महकमे आबरोसानी व बरकी सरबराही के अहदेदार भी मौजूद थे। बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में इस चंदूलाल बारादरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी की रिव्यू मीटिंग रखी गई थी। आज इस मीटिंग में बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के कॉरपोरेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे 6 कॉरपोरेटर्स मौजूद थे जो परसों इलेक्शनों में मुंतखब होकर जीते हैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की निशान पर, और ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जोनल कमिश्नर, डीएमसी, एएमओएच, प्रोजेक्ट के एससी, ई वाटरवर्क्स डिपार्टमेंट के जीएम, डीजीएम और मैनेजर्स, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के डी, ई और डिप्टीज और तमाम दीगर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स आज की इस मीटिंग में मौजूद थे। सबसे पहला काम कॉरपोरेटर्स को पूरे तमाम ऑफिसर्स से इंट्रोडक्शन कराया गया और ऑफिसर्स को कॉरपोरेटर्स से इंट्रोडक्शन कराया गया है, और उसके बाद बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में कितने प्रपोजल्स हम लोग दिए थे और कितने प्रपोजल्स को वो लोग एक्टिवेट करे हैं, अपडेट करे हैं, और कितने सैंक्शंस हुए हैं, कितने सैंक्शन होना बाकी है, वो सारे तमाम चीज़ों का जायज़ा लिया गया। इस आज की मीटिंग का मकसद यही है कि बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी में किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन हमेशा यही कहते हैं कि हमें काम की बुनियाद पर अवाम में रहना चाहिए, तो उनकी एक एक अल्फाज को सुनकर उस चीज़ को अमल करते हुए आज की मीटिंग रखी गई है। हमारा मकसद एक ही है, बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी और सारे बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के डिवीजन्स को किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, किस तरीके से कॉन्स्टेंसी और डिवीजन्स को अच्छा रखना चाहिए, आवाम की तकलीफ़ जो है उस तकलीफ़ को दूर करना चाहिए, यही मकसद था आज की मीटिंग का। इंशाल्लाह ताला और भी प्रोग्राम्स होंगे, उस प्रोग्राम के ज़रिए आपको तमाम तफसीलात बताई जाएगी। शुक्रिया।